वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, वन प्लस का नया टीवी स्पॉट किया गया है ब्लूटूथ के सर्टिफिकेशन पेज पे। अभी फिलहाल ये कितने इंच का होगा, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, ये सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ लीक के अकॉर्डिंग ये 55 इंच के का हो सकता है और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल सकता है। Xiaomi का स्मार्ट स्पीकर जो है उसने 22 मिलियन का सेल अक्रॉस कर लिया है और Xiaomi का नया स्पीकर जो है 21 मई को लॉन्च होने वाला है, यानी कि नया मॉडल। ट्रू कॉलर पे अब आपको एक नया अपडेट मिल चुका है। फुल स्क्रीन कॉलर आईडी आपको देखने को मिलेगा, नया होम टैब मिलेगा, कंप्लीट स्पैम मैसेज, इंपॉर्टेंट SMS इस टाइप का फुल्ली सॉर्टेड मिलेगा और इसे इंडिया के लिए भी रिलीज कर दिया गया है, तो आप जाइए OTA अपडेट कर लीजिए। Realme TV का ब्लाइंड सेल चालू हो चुका है। 18 मई से 24 मई तक आपको 2,000 रुपए जमा करना है और 25 मई से 31 मई के बीच में आपका को बचा हुआ पैसा पटाना है, उसके बाद आपको टीवी मिल जाएगा। और अब देखना ये होगा कि Realme ने कहा है कि वो अपने कस्टमर का पैसा डूबने नहीं देगा, अगर आपको टीवी पसंद नहीं आता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। गूगल का एक स्मार्ट केबल सामने आया है। इस केबल में आप देख सकते हैं ट्विस्ट टैब और डबल टैब, इस टाइप के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो वॉल्यूम अप डाउन होगा, टैप करेंगे तो प्ले पॉज होगा, डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक लगेगा। आप फोटो पे देखिए कुछ ब्रेडेड केबल टाइप का ये दिख रहा है। ऑनर का X10 5G फोन लॉन्च हो चुका है। अभी फिलहाल ये इंडिया पे तो नहीं आया है, चाइना मार्केट पे लॉन्च हुआ है, बट इसकी प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जो बेस वेरिएंट है अगर उसे आप इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं तो 20,000 बनता है। सेकेंड वेरिएंट जो है वो आता है 22,000 और तीसरा वेरिएंट आता है वो है 25,000। टोटल तीन वेरिएंट आए हैं। अब देखना ये होगा कि ये इसी प्राइस पे इंडिया पे आता है या फिर ये मॉडल आता ही नहीं है, वो तो अब कंपनी से ही पता चलेगा। गूगल मीट पे एक नया अपडेट आने वाला है। इस अपडेट के बाद अब जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो आप अपना बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ये काफी अच्छी फीचर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं जो बैकग्राउंड में कुछ है, वो चीज ब्लर होने चाहिए। आप वीडियो कॉल पे हैं, टीम मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। गूगल ऐप पे अब आपको डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे तो ये काफी डिले आ रहा है बट एटलीस्ट आया तो ये आप सेटिंग पे जाइए और वहां से इनेबल कर लीजिए अगर आपको मिल चुका है तो, नहीं तो आप वेट कीजिए। एप्पल का जो ग्लास है वो भी कुछ स्पॉट हुआ है और इसका प्राइस सामने आया है $500 का ये हो सकता है और ये AR/VR के कॉम्बिनेशन के साथ ये आ सकता है। रेडमी के 10X फोन का भी प्री ऑर्डर सेल स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा 26 मई से, और इसमें MediaTek का डायमेंसिटी 820 वाला प्रोसेसर रहेगा। इसके अलावा कुछ बड़ा डिटेल तो सामने आया नहीं है, लेकिन जितने फोटो लीक हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और बाकी अब देखते हैं कि 5G तो रहेगा ही और क्या क्या फीचर्स के साथ ये रिलीज होता है और किस प्राइस पे आता है। हुआवे का मीडिया पैड T5 टेबलेट जो है वाईफाई एडिशन वाला, वो अब इंडिया में सेल होना चालू हो जाएगा अमेजोन से और इंडियन मार्केट के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 13,000 रुपीज। इसमें आपको हाई सिलिकन किरिन 659 SoC मिलेगा, 10.1 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले मिलेगा और काफी लेट ये इंडियन मार्केट पे आ रहा है क्योंकि ये जो चाइना में लॉन्च हुआ था जुलाई 2019 पे हुआ था। रियलमी X3 सुपर जूम भी यूरोप पे लॉन्च होने वाला है 26 मई को। इसमें आपको 5X ऑप्टिकल जूम, 60X डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलेगा और ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा विथ नियरली फ्लेक्सिबल हार्डवेयर। इसका डिटेल आया है, स्नैपड्रैगन 855+ वाला इसमें प्रोसेसर हो सकता है। एयरटेल ने लॉन्च किया है 251 का डेटा वाउचर। ये बेसिकली एक डेटा टॉपअप वाउचर है, इसमें आपको 50 GB का डेटा मिलता है। सेम जियो की तरह जियो ने भी 251 GB का डेटा टॉपअप लॉन्च किया है, तो अब आप इसे अगर आपको जरूरत है तभी यूज कीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो यूज करने की कोई यूज नहीं है। अब बात करते हैं गूगल पिक्सल 5 का कुछ स्पॉट और सर्टिफिकेशन कोड पे सामने आया है डेवलपर एडिशन पे।
इसके अकॉर्डिंग इसमें स्नैपड्रैगन का 765 वाला प्रोसेसर हो सकता है। अगर गूगल इसी राह पे चलेगा तो ज्यादा समय नहीं बचा है गूगल के पास, गूगल जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट वाला नूबिया का रेड मैजिक 5G एडिशन भी अब प्री ऑर्डर पे फाइनली स्टार्ट हो चुका है और इसकी चाइनीज प्राइस है 4599 चाइनीज युआन, लगभग 47,500 इंडियन रुपीस पे, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज हार्डवेयर के साथ। ये एक 5G फोन भी है, स्नैपड्रैगन 865 वाला हार्डवेयर के साथ आता है। रेजर का ओपोस नाम का जो फोन हेडफोन है वो लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस रखी गई है $200। इसमें RGB लाइटिंग, ब्लूटूथ और वॉइस टैप कमांड, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो काफी अच्छा हेडफोन है जिनको प्रीमियम रेंज पे चाहिए रहता है उनके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपने कुछ क्वेरीज सवाल है उसे मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।